बिहार में बिजली विभाग के कारनामों से हर कोई वाकिफ होगा। हर पांचवा आदमी कहीं ना कहीं बिजली विभाग के रवैये से परेशान रहता है, लेकिन मोतिहारी जिले में विभाग ने जो काम किया है उससे एक आदमी मुसीबत में फंस गया है। दरअसल विभाग ने एक मजदूर को 1 लाख का बिजली बिल थमा दिया है। पैसा नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी है। पीड़ित का कहना है कि टाटी का घर है, एक बल्ब जलता है, पर इतना बड़ा बिल कैसे आ गया। बिजली विभाग कितना बिल आपको अभी दिया है? बिजली बिल 1,11,000 का आइल बा। अच्छा, पैसा पहले जमा कर ले बहिन ने कहा? एक बार 2700 रुपये जमा कर ले बनी, आ एक बार 200 रुपये जमा कर ले। अच्छा, रुआ बीपीएल में आवेनी? जी बीपीएल में बानी। अच्छा, तो रुआ अधिकारी लोग से कर सूचना नहीं दे ले? जी ना, वो आइल तो हम कहनी जे सर इतना बिल लेकर जमा करो, तो भीतर जाए के बाद 100 रुपये और जमा कर दे। चलो कले बा कर जेल जाए? जेल जाए। अच्छा, कै गो जलावे नहीं, एसी उसी बा कि ना? हजूर एसी नहीं खे, एगो बवल बा एगो पंखा बा। पीड़ित हरसिद्धि प्रखंड के भादा पंचायत के वार्ड नंबर 6 का रहने वाला सूरज पासवान है। मजदूरी कर यह परिवार का पेट पालते हैं। घर में बल्ब के अलावा दूसरा कोई बिजली का उपकरण भी नहीं है। बिल देखने के बाद वो बीमार हो गया है। इस संबंध में बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने की हमने कोशिश की तो उन लोगों ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। फिर हमने इसकी जानकारी मोतिहारी डीएम को दी तो उन्होंने क्या कुछ कहा सुनी। बिजली विभाग का लगभग 90,000 का बिल। 1,11,000 तो इसमें लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ पे जो है बिल के जो कंप्लेंट्स हैं उसकी सुनवाई होती है। वो अगर वहाँ पे देते हैं या हमको भी दे देते हैं जनता दरबार के माध्यम से, निश्चित जो है हम उनको नियमानुसार जो भी है जांच करके जो है कार्रवाई करें। बहुत गरीब आदमी है सूरज पासवान, मरे का घर है और मीटर भी उसका खराब है, फिर भी कई मामले लगातार रहते हैं। इसलिए जो है राज्य सरकार से जो निर्णय लिया गया था कि बिजली विभाग के अगेंस्ट में जो शिकायतें हैं लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत जो है ऑलरेडी पीजीआरओ हमारे हर अनुमंडल में है, उनके यहाँ वो दर्ज करेंगे। तो इसमें कई सारे लोगों के बिल जो है घटाना हो या जो भी नियमानुसार हो उसकी कार्रवाई भी हुई है और जिला लेवल पे भी जिला लोक शिकायत निवारण इसकी सुनवाई करते हैं और न्यायोचित आदेश भी देते हैं। एक और जहां बिहार में सुशासन की सरकार होने का दावा किया जाता है, वहीं इस सरकार में बिजली विभाग के कारनामे रोज ही लोगों को करंट का झटका दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इस गरीब बेबस मजदूर को न्याय मिलता है अथवा उसे बिजली विभाग का करंट झेलने को मजबूर होना पड़ता है। मोतिहारी से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।